chair, table, cloth, plastics, fruit, vegetable, even any drop of rain. Now next topic, composition of matter. Matter is a made up of very tiny particles which are in constant motion, and these tiny particles are made of two things, atom and molecules. First of all, we tell you atom. Atom is a very smallest particle which cannot be break down, and when two atoms are combined, they form molecules. That's why, and the atom and molecules are so small which cannot be visible with the naked eye. So in this topic, the composition of matter are made up of atom and molecules that is so small which cannot be seen with the naked eye. Now come to the next topic, characteristics of matter. The first, matter of matter has mass. Matter ke paas apna mass hota hai. Iska demonstration ke liye iske according, if we take a scale, type two value. In one value, air is still, in another value is air no air na, another value. We see that scale is tilted toward the balloon which has air. That proves matter has mass. Matter occupies space. Matter jagah lehta hai. Let's see one example. We take a glass filled with the water up to a top. एक ग्लास लिया, हमने इसको पानी से पूरा फिल कर दिया. फिल करने के बाद हमने क्या किया, इफ वी पुट अ स्टोन, हमने इसे स्टोन डाला, तो स्टोन क्या करेगा, उस पानी को डिस्प्लेस करेगा. किसके लिए, अपना स्पेस बनाने के लिए. जो पानी बाहर आया है, वो जो उसके पानी बाहर निकला है, वो बाहर अपना स्पेस बना लेगा. दिस प्रूव दैट इट मैटर ऑक्युपाइज स्पेस. नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रसीव बाय आवर सेल्स ऑर्गन. मतलब उसको हम अपने सेंस ऑर्गन से, सिक्स सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम उसे कर सकते हैं, हियर कर सके, सी कर सके, फील कर सके, टच कर सके. दैट इज कॉल्ड कम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. नाउ कम टू द स्केल ऑफ मैटर. अब पढ़ेंगे हम मैटर की स्केल कितनी होती है. देयर आर थ्री स्केल्स ऑफ मैटर. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, एंड थर्ड इज गैस. Now first of all, we discuss the solid. Solid are those substances which are hard. मतलब बहुत ही ठोस होते हैं. For example लीजिए अपनी बुक का, पेन का, टेबल का, जो कोई चीज मतलब जो फिक्स हो, जिनका शेप को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, उनका फिक्स शेप होता है. Now let's see some characteristics. First is they have mass. Obviously बात है, जब वो fixed shape से होंगे तो mass होगा. इसी ये है, इसमें कुछ ना कुछ mass है. They occupy space. ये कोई कोई जगह ले रहा है, जैसे हम हाथ रखते हैं उसे, तो उसने अपनी इतनी जगह ले ली.
कंप्रेस, आप इसे बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हो, इसे क्या बिल्कुल तो दबा नहीं सकते, अगर आप दबाओगे तो फैल जाएगा, तो थोड़ा सा स्मॉल एक्सटेंट तक ही आप इसे कंप्रेस कर सकते हो, डिपेंड करता है इसके पार्टिकल्स के ऊपर। इजली फ्लो, ये इजली फ्लो जाता है, आपने देखा होगा घर में पानी गिरता है बहराई के आराम से नीचे चला जाता है, और जो इसका फ्लो मूवमेंट होता है हायर लेवल से लेके लोअर लेवल में होता है। नाउ कम टू अ थर्ड, गैस। गैस मींस आपका, आपने घर में देखा होगा आपकी वेपर्स निकलती है, ऑक्सीजन है, वेपर्स है, आप चाय गर्म करते हैं तो उसमें वेपर्स निकलती है, दिस आर एग्जांपल ऑफ गैस। नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस, फर्स्ट है मास, इनका क्या होता है मास, इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया है बैलून, बैलून का अगर मास में गैस भरी होती है और गैस का मास नहीं होता तो आपका इसके इक्वल होता। नेक्स्ट है ऑक्यूपाई स्पेस, ये स्पेस देता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है इसे आपने कंटेनर लिया उसमें आपने ग्लास डाला डाउनवर्ड साइड में, तो व्हेन यू पुश अ ग्लास इन डाउनवर्ड साइड यू सी दैट कि ग्लास कैन नॉट गो डाउनवर्ड, ग्लास नीचे की तरफ जाता ही नहीं है क्योंकि इसमें प्रेशर भी क्या पड़ी हुई है आपके अंदर, स्पेस भरा हुआ है, एयर भरी हुई है, लेकिन जैसे भी हम ग्लास को स्लाइटली टेढ़ा करते हैं ऊपर से क्या निकलते हैं बुलबुले निकलते हैं और जिसकी एयर है वो धीरे निकल जाती है और अपना स्पेस यहाँ पे कंटेन कर लेती है। नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ऑब्वियसली बात है इसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हाईली कंप्रेस, हाईली कंप्रेस मीन्स इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके घर में एलपीजी सिलेंडर, सो सिलेंडर होते हैं वो गैस होती है उसको हाईली कंप्रेस करके उसको किसी भी कंटेनर में फिल किया जा सकता है। इजीली फ्लो, दे इजीली फ्लो और इजीली आपका फ्लो जाता है, जैसे आपने देखा है वेपर्स निकलती है किसी भी टी में तो वो क्या होता है वेपर्स है आप यहाँ देखिए बहुत सारी वेपर्स इकट्ठी जाती है और नीचे क्या होती है इनविजिबल हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है क्योंकि क्या होती है इजिली एक जगह दूसरी जगह फ्लो हो जाती है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है हम यूज करने पड़ेंगे, पहले पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड गैस। फर्स्ट वी सी द सॉलिड, सॉलिड में क्या द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी टाइटली पैक्ड बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स मीन उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि वो आपस में सिर्फ ज्वाइन रहते हैं, दैट्स व्हाई इनकी फिक्स शेप भी होती है, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेटली वॉल्यूम होता है। नाउ कम टू अ सेकंड लिक्विड, इन लिक्विड द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लेस क्लोज पैक, मतलब इनके बीच में जो टू टू पैक होते हैं, क्यों होते हैं बिकॉज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपेयर टू द सॉलिड, मतलब इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है वीक होता है, क्या होता है आपका वीक होता है, क्या होता है वीक होता है, ठीक है ना। और नाउ कम टू नेक्स्ट गैस, इन गैस पार्टिकल ऑफ गैस आर वेरी लूजली पैक्ड बिकॉज दे हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज उसके पास कोई भी लो फोर्स, आई से अर्लियर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ऑफ गैस आर लूजली पैक्ड बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इन दोनों के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बहुत ही वीक होता है, वीक क्यों होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वीक होता, दैट्स व्हाई दे हैव नॉट डेफिनेट शेप नॉट वॉल्यूम, दे हैव नॉट डेफिनेट शेप नॉट वॉल्यूम। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल In your study. Now see the packing of particles in three state of matter: solid, liquid, and gas. Rigid, fixed shape, fixed volume. Not rigid, not fixed shape, fixed volume. Not rigid, no fixed shape, no fixed volume. Cannot be compressed. उसको compress नहीं कर सकते. इसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते, पर इसको गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं।
Now see, differentiate among solid, liquid, gas. First, ये loosely pack होते हैं, ये आपका less loosely pack होते हैं, और ये आपका gas very loosely pack होते हैं. इनका solid में strong force of attraction होता है, इसको compress नहीं कर सकते. इनकी high density होती है, कुछ को छोड़ के, जैसे sodium और potassium. ये particle cannot be flow. Now next, liquid are less closely packed, more with more space than solid. इनके पास ज़्यादा space होता है compared than solids के. Weak force of attraction होता है, can be compressed little bit. हम उसको थोड़ा सा ही हम इसे compress कर सकते हैं. Density जो होती है बहुत ही कम होती है compared to the solids. जब कुछ आपके elements को छोड़ गए, जैसे mercury हो गया. मरकरी विच हैव हायर डेंसिटी देन मैनी सॉलिड्स. सबसे हायर डेंसिटी किसकी होती है? मरकरी की. दीज पार्टिकल्स कैन फ्लो बट विद स्पीड लेस देन गैस. ये पार्टिकल्स जो लिक्विड को ईजिली फ्लो कर सकते हैं, पर उनकी स्पीड जो होती है वो बहुत ही कम होती है कंपेयर टू द गैस के. गैस में क्या होता है, ये लूजली पैक होते हैं, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, हाईली कंप्रेस होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, सॉलिड रिकॉर्डिंग, और ये पार्टिकल आपकी इजिली फ्लो कर सकते हैं. नाउ चेक आउट अवर नॉलेज. नाउ डिस्कस विद बुक एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अ सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट हैज. लिक्विड स्टेट के पास क्या होता है? डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम. डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ना डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम. तो बताइए, डेफिनेट शेप तो उसके पास नहीं होती है, वो शेप किसके तक कंटेनर में कैप्ट किया जाता है. तो ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट है, एटम मैटर इज अ मेडअप ऑफ. मैटर किससे बना हुआ है आपका? एटम और मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स नाइदर एटम और मॉलिक्यूल्स. राइट आंसर इज दैट एटम और मॉलिक्यूल. एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर ये बना हुआ है. एटम कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई. हम एटम्स को नेक्ड आई से क्यों नहीं देख सकते हैं? बिकॉज इट मूव वेरी फास्ट. इट इज रॉन्ग. इट इज इनविजिबल. इज ऑल्सो राइट. ये इनविजिबल होते हैं. इट इज सो स्मॉल. नन ऑफ अबव. हम एटम को क्यों देख सकते, बताओ. हम इस एटम को इसलिए देख सकते हैं. आई थिंक इट इज अ रॉन्ग. नन ऑफ दिस इज रॉन्ग आंसर. इट इज टू स्मॉल. इतने स्मॉल होते हैं कि वो इजीली दिखते नहीं है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. आपको फिल इन द ब्लैंक्स फन करने हैं. ए गैस नाइदर हैव अ फिक्स्ड शेप. ना तो उसके पास, गैस के पास ना तो फिक्स शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है. व्हेन वाटर इज पुट इन फ्रीजिंग चैम्बर इन रेफ्रिजरेटर इट चेंज इनटू आइस. वेरी गुड. जब वाटर को हम फ्रीजिंग चैम्बर में डालते हैं रेफ्रिजरेटर के, किसमें चेंज होता है आपका? आइस में. लिक्विड इज इन, सॉरी, एलपीजी इन इज इन लिक्विड फॉर्म ऑफ सिलेंडर. आपका एलपीजी आपका लिक्विड फॉर्म ऑफ सिलेंडर में है. गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली. सिंपल सी बात है, आप गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं. स्टीम इज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. एवरी स्टूडेंट्स हैव नो दैट स्टीम के पास किसकी फॉर्म होती है? वाटर की. आपको ट्रू और फॉल्स बताना है. जो फॉल्स है आपको बताना है फॉल्स क्यों है. ए सॉलिड कैन फ्लो इजीली. सॉलिड इजीली फ्लो होते हैं? टेल द स्टूडेंट्स यस नो. ये इजीली फ्लो नहीं होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स. तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? सॉलिड कैन नॉट बी फ्लो. मिल्क पुट इन कंटेनर ऑक्यूपाइज न्यू शेप. इट इज करेक्ट. मिल्क को जिस भी कंटेनर में आप कैप करोगे वो उसकी शेप को ले लेगा. नेक्स्ट, शेप ऑफ रिजिड सॉलिड इज फिक्स. जो आपकी जो शेप होती है सॉलिड की, क्या होती है? फिक्स होती है. फिक्स क्यों होती है? क्योंकि उनके पास मोर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स इनका ज्यादा होता है. व्हेन वाटर इज हीटेड स्ट्रांगली इट चेंज इनटू स्टीम. इट इज राइट. जब आप पानी को बॉइल करते हैं इट कन्वर्टेड इनटू स्टीम. ए गैस कैन बी कंप्रेस विद ग्रेट डिफिकल्टी. गैस को हम कंप्रेस करते हैं पर ग्रेट डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है. इट इज रॉन्ग बिकॉज गैस इज हाईली कंप्रेसिबल. गैस इज हाईली कंप्रेसिबल एंड कैन बी
बेसिकली कंप्रेस्ड. नाउ सिक्स्थ, ए गैस डू नॉट हैव डेफिनेट फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. मतलब गैस के पास फिक्स शेप तो नहीं होता है, क्या उसके पास फिक्स वॉल्यूम होता है? नहीं, उसके पास फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है. इट इज ऑल्सो फॉल्स. करेक्ट स्टेटमेंट इज ए गैस डज नॉट हैव फिक्स शेप बट इट डज नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम. नाउ डू सम मैचिंग. आइस, आइस का है सॉलिड फॉर्म ऑफ वॉटर. एलपीजी, एलपीजी इज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप. ऑरेंज जूस, नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम. स्टील प्लेट, स्टील प्लेट इज लिक्विड फॉर्म ऑफ. आई थिंक इट्स मैचिंग इज रॉन्ग, द राइट मैचिंग इज हेयर. आइस सॉलिड फॉर्म ऑफ वॉटर, राइट. एलपीजी फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप. ऑरेंज जूस लिक्विड फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म ऑफ गैस नहीं आएगा. हे इज ऑल्सो करेक्शन, लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर, क्योंकि आपका ऑरेंज जूस लिक्विड फॉर्म गैस का नहीं होता, मैटर का होता है. अब आपका है स्टील प्लेट, स्टील प्लेट मतलब आपकी सॉलिड सॉलिड में क्या होती है, आपकी फिक्स शेप भी होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है. नेक्स्ट है एयर, एयर के पास ना तो फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है. अब बताएंगे हम पिक द ऑड वन आउट, गिव साइंटिफिक रीजन ऑफ योर आंसर. आपको बताना है इसका ऑड कौन सा है और आपको उसका रीजन भी शो करना है. टेबल, क्लॉथ, स्पून, वॉटर, दैट मीन्स दीज थ्री आर इन सॉलिड इन शेप, सॉलिड इन शेप बट वॉटर इज ए लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. मिल्क, वॉटर, पेट्रोल, एयर, इट इज वेरी ईजी बिकॉज मिल्क, वॉटर, पेट्रोल इज इन लिक्विड फॉर्म वाइल एयर इज इन गैसियस फॉर्म. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एलपीजी. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर द गैसेस वाइल एलपीजी इन लिक्विड विच कैन बी कंप्रेस्ड. आई थिंक इट इज अ रॉन्ग, मतलब एलपीजी इज नॉट लिक्विड, एलपीजी इज गैस. बट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हम इसको कंटिन्यू कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. लेकिन आप एलपीजी को विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं. आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल इन योर स्टडी एंड एंजॉय दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.